हेलो वीवर्स, वेलकम टू एग्जाम एडू आइडिया यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्जाम एडू आइडिया में। आज मैं बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बिहार के बारे में इस वीडियो में पूरा फुल डिटेल फुल रिव्यू देने जा रहा हूँ। फुल एनालाइज करके सारा चीज़ मिलेगा आपको कि इसमें ब्रांचे कितने सीट हैं, कितना कट ऑफ होता है, क्या प्लेसमेंट होता है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, हर चीज़ आपको मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है, अंत तक वीडियो देखिएगा। जितना मैं बोला हूँ बहुत कम है, बहुत सारा चीज़ें हैं। ठीक है, आप एक बार ज़रूर से देखिएगा, तो फिर आप ज़रूर से लाइक करके जाइएगा। ठीक है, अच्छा लगेगा तो जो से आप लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। पहले सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो कॉलेज है, सॉरी एक मिनट, हाँ जो ये कॉलेज है आपको बता दूँ, ये आपका कॉलेज जो है ये 2016 में इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, मीन्स इसकी स्थापना 2016 में हुई है और 2016 से ही ये IIT पटना के कैंपस में, IIT पटना जो पाटलीपुरा कॉलोनी है उसके कैंपस में ये चल रहा था। ठीक है, 2016 से, और 2019 दिसंबर में इसका अपना बिल्डिंग तैयार हो गया था। वो बिल्डिंग कहाँ है, बख्तियारपुर में है। और 2020 फरवरी 2020 से इसका सारा चीज़ शिफ्ट हो चुका है कहाँ पर, बख्तियारपुर। ठीक है, बख्तियारपुर जो कॉलेज बना है नया, न्यूली कंस्ट्रक्टेड जो बिल्डिंग है उसमें ये शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब आपको बख्तियारपुर कॉलेज बख्तियारपुर में ही मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ इसका, हाँ इसका जो कैंपस है ये परमानेंट हो चुका है। कहाँ बनकर तैयार हो चुका है, ये बख्तियारपुर में हो चुका है। और एक चीज़ बता देता हूँ, ये बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग किस डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज है, ये पटना डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज है। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज को स्थापित किया है और ये पटना डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज है ये, जो कि बख्तियारपुर में चल रहा है। ठीक है, बख्तियारपुर में इसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड हो गया है, परमानेंट बिल्डिंग हो गया बख्तियारपुर में। पहले टेम्प्रोरी था IIT कैंपस में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इसका बिल्डिंग स्टेटस कंप्लीट है, मीन्स सारा चीज़ रेडी हो चुका है। कुछ एक दो हॉस्टल से बाकी हैं, सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है और 2020 के लास्ट तक ले तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, समझ जाइए लगभग कुछ ना कुछ है तो जो सब 2021 में सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट है। ठीक है, और ये आपका जो कॉलेज रिव्यू देने जा रहा हूँ मैं, ये आपका एग्जाम एडू आइडिया चैनल कर रहा है। ठीक है, तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए, जिससे सारा नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ पूरी तरह से डिटेल में देने इसका रिव्यू। ठीक है, तो चलते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का मेन बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ से एंट्री होता है। ठीक है, देखिए कितना न्यूली कंस्ट्रक्टेड, एकदम लगेगा कि हाँ बाहर हैं हम, आउट ऑफ बिहार हैं, ऐसा कॉलेज का व्यू है। ठीक है, आप खुद से देखिए तो आपको खुद भी लगेगा ऐसा। ठीक है, तो अब बिहार में पहले वाली बात नहीं, अब नए नए बहुत सारे कॉलेज बनते जा रहे हैं, सारा चीज़ प्लेसमेंट भी अच्छा होने लगा है। आपको सारा चीज़ वीडियो में दिखाऊंगा, इस कॉलेज से कितने प्लेसमेंट हुए हैं। ठीक है, सारा चीज़ दिखाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये वहीं का ही ये है, मेन बिल्डिंग है, ये भी है, उसके सामने फ्लैग होस्ट हुआ है, मीन्स फहराया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। देखिए वहाँ का लाइब्रेरी है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब ब्रांच के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या क्या ब्रांच ये ऑफर करता है ये कॉलेज, ब्रांच एंड सीट डिटेल। ठीक है, तो पहला मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ ब्रांच चलता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें कितना सीट है, 60 सीट है। ठीक है, और दूसरा आपका कंप्यूटर साइंस एंड, ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 60 सीट है इसमें भी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी 60 सीट है और सिविल में भी 60 सीट है। टोटल कितना सीट है, टोटल इनटेक मीन्स कितने छात्र को ये अपने में लेता है। ठीक है, ये कॉलेज कितना छात्रों का सिलेक्शन करता है, 240 छात्रों का इसमें सीट है और 240 छात्रों को ये कॉलेज लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए हॉस्टल के बारे में जानते हैं, हॉस्टल में क्या है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग से कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल जो है ये एग्जाम एडू आइडिया यूट्यूब चैनल है, नीचे रेड कलर का बटन होगा उसे प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिए। ठीक है, जिससे सारा नोटिफिकेशन आए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, जिससे हर व्यक्ति के पास ये इन्फॉर्मेशन चला जाए, जो भी बच्चे चाहते हैं बिहार इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग करना है। ठीक है, और मैं देखता हूँ, देखिए हॉस्टल एंड कैपेसिटी, हॉस्टल में कितना कैपेसिटी है। तो देखिए बॉयज़ के लिए दो हॉस्टल है, एक मिनट, बॉयज़ के लिए दो हॉस्टल है, गर्ल्स के लिए एक हॉस्टल है। बॉयज़ की कैपेसिटी कितनी है, बॉयज़ हॉस्टल की 300 स्टूडेंट्स उसमें रह सकते हैं। ठीक है, और गर्ल्स कैपेसिटी कितने हैं, 150। ठीक है, 150 लड़कियां रह सकती हैं। फर्स्ट ईयर में बच्चों का हॉस्टल अधिकतर नहीं मिलता है, बट सेकेंड ईयर से मिलना स्टार्ट हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, हॉस्टल का कुछ पिक्चर दिखाते हैं आपको। देखिए ये आपका हो गया बॉयज़ हॉस्टल। ठीक है,
एकदम न्यूली कंस्ट्रक्टेड ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप लोग जाइए, एडमिशन लीजिए इसमें, और आपको दिखाते हैं, ये आपका गर्ल्स हॉस्टल हो गया, ये भी एकदम बिल्कुल अच्छा लग रहा है, आप खुद से भी देख सकते हैं, हमको तो अच्छा लग रहा है ये सब, ठीक है। बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, बिल्डिंग बख्तियारपुर कॉलेज इंजीनियरिंग का जो भी नया बिल्डिंग बन रहे हैं वो बहुत अच्छे बन रहे हैं और मेंटेन रहेंगे, ठीक है। और एक बहुत सा चीज़ आपको बताऊंगा, ये देखिए शुरू के टॉप कॉलेज, टॉप 8 कॉलेज जो है, शुरू का 8 कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, क्योंकि वो सब बनकर तैयार हो गए हैं, उनमें टेक क्यूब कॉलेज है, ये सब बहुत सी चीज़ें आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए एकेडमिक प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, आप खुद से पढ़ भी सकते हैं इसे, एक मिनट, सॉरी 1 मिनट। हाँ देखिए एकेडमिक प्रोग्राम्स जो है ये कॉलेज ऑफर करता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, आप देख सकते हैं ये चीज़ आई है, कॉलेज ऑफर करता है ये जितना भी चीज़ है, ठीक है। और आपको बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ये सारा चीज़ ये ऑफर करता है ये कॉलेज, ये जितना भी चीज़ है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीन शॉट लेकर आप देख सकते हैं, ये सब देख सकते हैं, सारा चीज़ मैं आपको सारा चीज़ प्रोवाइड कर दिया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपको ये आपका सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये सब प्रोवाइड किया जाता है, देखिए ये सब जितना है सब चीज़ प्रैक्टिकल और लैब सब चीज़ प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ वर्कशॉप, ये सब स्टेंट ऑफ मटेरियल, लैब, फ्लूड मैकेनिक्स, सारा चीज़ आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, देखिए एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको बता दें कि ये जो लिखा हुआ बियॉन्ड एकेडमिक, ठीक है, एकेडमिक तो हर कॉलेज में हर चीज़ होता है, ठीक है, बट ये बियॉन्ड एकेडमिक मतलब एकेडमिक से ऊपर भी उठकर बहुत सारा चीज़ होता है, कितने बच्चे होते हैं कि वो अपना फील्ड में जाना चाहते हैं, कितने बच्चे फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं, ठीक है, कितने बच्चे लोग होते हैं कि जो स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, कितने बच्चे गायक बनना चाहते हैं, फिर लड़कियाँ फैशन डिजाइनिंग में सिंगर बनना चाहती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तमाम चीज़ें होती हैं जो आप बियॉन्ड एकेडमिक होता है, मीन्स आपका इंटरेस्ट उधर होता है बट आपको कोई ऐसा जगह नहीं मिलता है जहाँ से आप आगे बढ़ सके, वो सब चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर, सारा चीज़ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए जैसे आपको यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए, ये बोलने के लिए, आपको जो भी है डांस, म्यूजिक, ये सब सिंगिंग, सारा चीज़ आप देख सकते हैं, रंगोली, ये सब खुद से, ये योगा, ठीक है, आप फिर ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, ये फिर बैडमिंटन, ये सब देख सकते हैं आप, फिर स्पीकिंग के लिए ट्रायल करवाने, ये सब देख सकते हैं आप, ये सब चीज़ प्रोवाइड किए थे यहाँ, फिर देख सकते हैं वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ठीक है, ये सब चीज़ प्रोवाइड किया जाता है यहाँ, मतलब बच्चों को तैयार करवाया जाता है ऐसा कि जिसको जहाँ इंटरेस्ट है आप जा सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसा चीज़ होता है कि जहाँ से आप अपने को एक्सप्लोर कर सकते हैं, मीन सर्च कर सकते हैं कि आप किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ कर सकते हैं, आपको ये चीज़ प्रोवाइड करता है ये कॉलेज कि आपको कहाँ जाना है आप यहाँ से चूज करिए, ठीक है। खुला आपको लगभग 4 साल मिलता है, आप अगर उसमें अच्छा करते हैं तो आप वहीं से अपने फील्ड में जा सकते हैं, मानते किसी को फील्ड में जाना अच्छा लगता है और वो एक्टिंग अच्छा कर रहा है, कोई सिंगर बनना चाहता है, एक्टिंग अच्छा कर रहा है, कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, तो वो यहाँ से निकल सकता है, ठीक है। ये सब कॉलेज ये चीज़ प्रोवाइड करता है ये बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, तो इस मामले में भी अच्छा कॉलेज है, ठीक है। आगे चलते हैं लोग, अब बात करते हैं अवेलेबल फैसिलिटीज, ठीक है, क्या क्या फैसिलिटी ये ऑफर करते हैं ये कॉलेज। देखिए कंप्यूटर सेंटर थी, आप फिगर में देख चुके थे कंप्यूटर सेंटर का, सेंट्रल लाइब्रेरी मैंने फर्स्ट पेज पे आपको दिखाया है, सेंट्रल लाइब्रेरी का बिल्डिंग, उसके अंदर आपको लाइब्रेरी मिल जाएगा। स्पोर्ट्स फैसिलिटी आप देखें कि ये बियॉन्ड जो भी चीज़ मैं चीज़ दिखा रहा हूँ सारा चीज़ आपको यहाँ, मैं आपको एक मिनट वेट, आपको 1 सेकेंड, देखिए यहाँ जो वेबसाइट का लिंक है सारा चीज़ आपको यहीं से लिया गया है, ठीक है, यहाँ पे जाकर आप मिला सकते हैं कि मैं सारा जानकारी सही दे रहा हूँ या नहीं, ठीक है। मैं अपने तरफ से 100% सही जानकारी दे रहा हूँ, अगर आपको अपने संतुष्टि के लिए आप जाकर यहाँ देख सकते भी हैं, सारा चीज़ वहीं से लिया गया है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ मैंने जो मेरे से जो जूनियर गए हैं वहाँ कॉलेज में, ठीक है, जिनसे जानकारी प्राप्त हुआ मुझे, वो सब चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। इस पर जाकर आप चेक भी कर सकते हैं, ये वेबसाइट है बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का, ठीक है। और ये जो भी प्लेसमेंट का बहुत सारी चीज़ मैं बताऊँगा, ये जो भी आपको फ़ोटो लिया गया है सारा चीज़ वहीं से लिया गया है, तो आप देख सकते हैं वहाँ जाकर भी, ठीक है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटी, तो अभी आपको दिखाया मैंने बियॉन्ड बियॉन्ड एकेडमिक्स में, उसमें देख लीजिए आप, मेडिकल फैसिलिटी भी ऑफर किया जाता है, सेंट्रल लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर, ठीक है। हॉस्टल मेस आपको हॉस्टल मैंने दिखाया, ठीक है, मेस भी वहाँ होता है, ठीक है। गेस्ट हाउस जिसमें पेरेंट्स लोग, गार्जियंस लोग आते हैं अगर, तो वहाँ के लिए रहने के लिए होता है, फिर जाकर अलग से टीचर बाहर से आते हैं वहाँ के लिए, वो भी प्रोवाइड रहता है फैसिलिटी। यहाँ बैंक रहता है, आप घर से पैसे लेने के लिए तो घर नहीं जाइएगा, तो उसमें आपको फ़ायदा होता है कि आपके कॉलेज में ही बैंक बना रहता है जिससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है, घर से मांग सकते हैं, मतलब पेरेंट्स से फ्री में तो नहीं मिलेगा, पेरेंट्स से आप मांग सकते हैं तो वहाँ मिल जाएगा आपको,
क्लब होता है, वाईफाई सिस्टम होता है, वाईफाई हर जगह जरूरी है। तो वाईफाई कॉलेज अधिकतर बिहार इंजीनियरिंग में वाईफाई आपको मिलेगा ही, ठीक है। जिम यहाँ मिलता है, ठीक है, और लैब भी यहाँ होता है, ठीक है। लैब सारा चीज़ फैसिलिटी आपको मिलेगा बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम अब बात करते हैं फी डिटेल के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने बच्चे होते हैं कि अभी जानते नहीं हैं, तो वो सोचते हैं कि यहाँ कुछ फ़ी भी नहीं लगता होगा, कितने सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा लगता होगा। बट आपको जो रियलिटी मैं इस वीडियो में आपकी बता देता हूँ फी डिटेल से रिलेटेड, ठीक है। जनरल और ओबीसी बच्चों के लिए एडमिशन फ़ी, आई एम सेइंग एडमिशन फ़ी, ठीक है। एडमिशन फ़ी कितना लगता है, 3,330 रुपये, ठीक है। और SC ST के लिए 3,210 रुपये। देखिए इसमें क्यों अंतर है, यहाँ पर ट्यूशन फ़ी SC ST बच्चों से नहीं लिया जाता, 120 रुपये, सिर्फ 120 रुपये का अंतर है जनरल OBC SC एंड ST के बीच में, ठीक है। दो सॉरी 120 रुपये का अंतर होता है, ठीक है। 120 रुपये जो ट्यूशन फ़ी वो नहीं लिया जाता है। तो आपको पता हो गया कि एडमिशन फ़ी कितना है। अब मैं आपको बताऊंगा रजिस्ट्रेशन चार्ज, जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका कितना चार्ज है, 3,200 रुपया, ठीक है। और यूनिवर्सिटी एंड एग्ज़ाम फ़ी जो है आपका 3,260 रुपये पर सेमेस्टर, नॉट पर ईयर, इट इज पर सेमेस्टर, ठीक है। पर सेमेस्टर 3,260 रुपये लगता है। और हॉस्टल चार्ज जो है आपका लगभग 7,200 रुपये पर सेमेस्टर लगता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 7,200 पर सेमेस्टर लगता है हॉस्टल चार्ज। और मेस चार्ज आपका 2,500 से 3,000 रुपये पर मंथ लगता है। पहले 2,500 लगता था, आप कुछ इंक्रीज हुआ है इसलिए मैंने नियर अबाउट ले लिया है 2,500 से 3,000 रुपये पर मंथ आपका। ये यहाँ पर आपका लैपटॉप वैपटॉप सब ले ला कर आपका लगभग 3 से 3.5 लाख रुपये में पूरी कंप्लीट तौर पर यह हो जाता है इंजीनियरिंग, ठीक है। बिहार इंजीनियरिंग से मीन्स रहना खाना पानी सारा चीज़ आपका 3 लाख में ही होता है, मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ 3.5 लाख, ठीक है। और आगे चलते हैं, ये एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, देखिए आपको ये बता देता हूँ मैं। ये एक स्किल डेवलपमेंट, यहाँ जितना भी पीएम के जितना भी प्रोग्राम चलता है यहाँ सारा चीज़ हो जाता है, ठीक है। आपको अलग से करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ सारा चीज़ बता दिया जाता है। फिर बहुत सा चीज़ होता है बिहार का जो भी प्रोग्राम होता है, मीन्स स्किल डेवलपमेंट की। आप मानते हैं सबको कंप्यूटर की आवश्यकता है, तो मानते हैं सिविल वाले को भी कंप्यूटर का हर चीज़ नॉलेज दिया जाता है, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट मिशन भी यहाँ चल रहा है। अब आपको मैं बता देता हूँ TechCube 3, यहाँ जो लिखा हुआ है TechCube 3, ये एक ऐसा है इसके अंतर्गत बहुत सारे बाहर के टीचर आके आपको पढ़ाएंगे, जो कि IIT NIT में पढ़ाते हैं वो भी टीचर आके यहाँ पढ़ाएंगे। फिर जो IIT NIT से MTech किए हैं, BTech किए हैं, वो अगर टीचर लाइन में आते हैं तो इधर आते हैं, उनको भी रखा जाता है और वो भी पढ़ाते हैं। तो बिहार में लगभग नहीं लगभग नहीं श्योरली टोटल 8 कॉलेज हैं, जो कि पहले कहा जाता था 7 भी, बट ये बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी अब आ गया, क्योंकि मैं ये बख्तियारपुर के कॉलेज के वेबसाइट से ही लिया हूँ, ठीक है। तो बिहार में कुल 8 कॉलेज हैं जो कि TechCube कॉलेज हैं, ठीक है। तो पहले आप ये 8ों कॉलेज को ही प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग में दीजिएगा, ठीक है। ये 8 कॉलेज ही टॉप कॉलेज हैं, ठीक है। पहला हो गया मुजफ्फरपुर, फिर भागलपुर, फिर आपका नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, फिर गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, फिर दरभंगा, फिर बख्तियारपुर। ऐसे माना जाए तो फिर पहले शुरू में मुजफ्फरपुर भागलपुर क्लियर है, उसके बाद नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग क्लियर है, फिर आपका गया आता है, फिर आपका बख्तियारपुर आता है, फिर आपका दरभंगा, मोतिहारी, छपरा, ये सब लगभग एक ही कैटेगरी के हैं ये कॉलेज हैं, या आगे पीछे होते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका बख्तियारपुर भी एक अच्छा कॉलेज है। और एक बात मैं बता देता हूँ, ये पहले IIT कैंपस में चलता था, जिसके कारण इसका और वैल्यू बढ़ चुका है, बट ये अब बख्तियारपुर में आ गया था। इसी ये मतलब नहीं है कि अब ये उस लेवल का नहीं है, बट ये उसी लेवल का है, ठीक है। यहाँ टीचर बहुत कोऑपरेटिव हैं, ठीक है। तो ये अब मैं बात करता हूँ TechCube कॉलेज, ये TechCube कॉलेज है, तो ये बहुत अच्छा कॉलेज आपको बता देता हूँ। इसके अंतर्गत बहुत सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है, जो कि नॉन TechCube कॉलेज में नहीं प्रोवाइड किया जाता। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो कॉलेज TechCube है उसको पहले आप प्रेफरेंस दीजिए, ओके। बात करते हैं रिसर्च एंड इनोवेशंस, यहाँ बहुत सारी चीज़ रिसर्च एंड इनोवेशन वर्क होते हैं, ठीक है। यहाँ हर चीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे रिसर्च एंड इनोवेशन में वृद्धि हो, तेजी आए, ठीक है। और आपको बता देते हैं ग्रीवेंस सिस्टम, मीन्स यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो आपको शिकायत लगती है तो वो सब आप कर सकते हैं ग्रीवेंस में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। आप देख सकते हैं कहा जाता है कि बिहार में प्लेसमेंट नहीं होता है, बट आप देख सकते हैं खुद मैंने वेबसाइट से लिया है। फिर बहुत सारे वीडियो जो भी बनाया हूँ मैं नालंदा पर, गया पर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर पर, सारे पर, सारे के वेबसाइट से मैं लिया, तो उसमें प्लेसमेंट के कुछ बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे प्लेसमेंट की ओर बिहार जा रहा है, ठीक है। प्लेसमेंट हो रहा है बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है। तो ऐसा पहले होता था कि नहीं होता था, बट अब होने लगा है, क्योंकि जितने भी बच्चे आ रहे हैं सब JEE Main क्वालीफाई करके आ रहे हैं, ठीक है।
जितने भी टेक क्यूब कॉलेज में बच्चे आ रहे सारे जेईई मेन क्वालिफाई करके आ रहे हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ टैलेंट है, वो नेशनल लेवल का एग्जाम देकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बता देते हैं कि अब बिहार में प्लेसमेंट होने स्टार्ट हो गया है, तो जितने भी BCNs मिस भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियर्स, ठीक है, यहाँ इसका मतलब यही हुआ 2016 से ये स्टार्ट हुआ था, 2016 से 20 वाला बैच का ये लोगों का प्लेसमेंट हुआ है, बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। देखिए SCL में प्लेसमेंट होने वाले बच्चों का है मैकेनिकल, CSE, EEE, सिविल, चारों ब्रांचों का हुआ है, TCS में भी हुआ है, ऐसे पाई इन्फो कम में भी हुआ है। ठीक है, ये सब प्लेसमेंट आपका सारे ब्रांच का हुआ है, ठीक है, इन बच्चों का हुआ है प्लेसमेंट, ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हूँ। ठीक है, देखिए फिर नेक्स्ट में, ठीक है, ग्रीफिको में हुआ है, ओकाया इन्फो इन्फोकॉम में हुआ है, IBM में हुआ है, प्रिंस जॉनसन में हुआ है, ठीक है, विप्रो में हुआ है, ठीक है, कैपिगेमिनी में हुआ है, ठीक है, ये सब प्लेसमेंट आपका हुआ है। ठीक है, अब बिहार में प्लेसमेंट होने लगा है, अभी कुछ कम है, बट आने वाले समय में आपके समय में 100% नहीं कहूँगा मैं, बट 80% प्लेसमेंट होने लगेगा। ठीक है, 80% 70 से 80% प्लेसमेंट होने लगेगा, अभी आपका 30 से 40% बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ बिहार में ज़्यादातर बच्चे गेट की ओर जाते हैं, गेट IAS ये सब प्रिपरेशन करते हैं, MTech के लिए प्रिपरेशन करते हैं, MTech कॉलेज के लिए, ठीक है, आगे पढ़ाई करना चाहते हैं यहाँ के बच्चे, इसलिए प्लेसमेंट कम होता है। ठीक है, बट अब बच्चों का प्लेसमेंट की ओर रुझान बढ़ने लगा है, तो वो अब प्लेसमेंट भी करना चाह रहे हैं, तो प्लेसमेंट में वो बैठ रहे हैं, सिलेक्ट भी हो रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सब डेटा, और देखिए कौन कौन सा कैम्प कंपनी आता है, आप देख सकते हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के लिए, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, वर्कशॉप्स, पार्टनर जो होते हैं ये वर्कशॉप और इंटर्नशिप, वक्त मीन्स थर्ड ईयर में जो आपका इंटर्नशिप होता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी इंटर्नशिप क्या होता है, वर्कशॉप्स क्या होता है, ठीक है, ट्रेनिंग कैसे होता है, ये सारा चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, लगभग इससे एक सप्ताह बाद मैं उस वीडियो को अपलोड करूंगा। ठीक है, मैं बताता हूं इसमें कौन कौन सा कंपनी आता है आपका प्लेसमेंट के लिए, इंटर्नशिप के लिए, स्किल इंडिया, ONGC, प्रिंस सीमेंट, आपको मैं दिखाया अभी अभी वो बच्चों का प्लेसमेंट में ले गए थे प्लेसमेंट के थ्रू, इंडियन ऑयल, ठीक है, बेल्ट्रॉन, भेल, NTPC, ठीक है, सीडेक, सैमसंग, IBM, कैलिफोर्नियम, ठीक है, JN, ठीक है, मारुति सुजुकी, NPTEL, ये सब कंपनी है जो कि प्लेसमेंट में के लिए आते हैं, प्लेसमेंट के थ्रू बच्चों को ले जाते हैं, इंटर्नशिप में भी अलाउ करते हैं, ठीक है, वर्कशॉप्स में भी करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगा। ठीक है, आपको मैं बता दूँ आपका एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, एडमिशन कैसे होता है इस कॉलेज में। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ कि आपका JEE मेंस एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है, जो भी बच्चे मैथ्स से होते हैं वो JEE मेंस का एग्ज़ाम देते हैं, या बायो से होते हैं तो उनका साइड विषय मैथ्स होता है, तो वो JEE मेंस का एग्ज़ाम देते हैं, ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है। ठीक है, उसमें देना होता है। और दूसरा चीज़ आपको बता देता हूँ कि आपका 12th में 45 मार्क्स होना चाहिए सारे सब्जेक्ट में कम से कम, तब आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 45 मार्क्स तो सबका हो ही जाता है लगभग, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं JEE मेंस में, जो भी बच्चे बैठ रहे हैं तो उनका हो ही जाता है, जो मतलब अपने पढ़ाई से सीरियस हैं। ठीक है, 12th में आ ही जाता है। ठीक है, काउंसलिंग कैसे होता है आपका, BCC बोर्ड के थ्रू होता है। ठीक है, बिहार का जैसे, और जैसे आपका JEE मेन का होता है NTA के थ्रू होता है, NIT IIT का, बट यहाँ बिहार में आपका BCC बोर्ड काउंसलिंग करता है। मैं वीडियो समय समय पर देते रहूँगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस बेल आइकन को जो से प्रेस कर लीजिए, जिससे सारा नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे, मैं आपको सारा चीज़ अपडेट करते रहूँगा। मैं बता देता हूँ आपको बात, ये बहुत कम ही लोग बताते हैं, मुझे परेशानी हुई थी उस वक्त जब मैं एडमिशन लेने वाला था, तो आपको मैं बताया था कट ऑफ क्या रहती है, 80 से 85% आपका JEE मेन में रहेगा तो आपका इसमें निश्चित ही आपका एडमिशन हो जाएगा, 80 to 85%। ठीक है, अब मैं कट ऑफ दिखा देता हूँ पिछले साल का। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 2020 का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का ये कट ऑफ है। ठीक है, ये हो गया आपका बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, यहाँ पर, और ये हो गया आपका कोर्स नेम सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, नेक्स्ट में आपका मैकेनिकल भी रहेगा। ठीक है, ये आपका कैटेगरी हो गया, कौन से कैटेगरी यहाँ पे हैं। ठीक है, और आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो आपका यूआर ओपनिंग रैंक है, ठीक है, और आपका ये हो गया आपका यूआर क्लोजिंग रैंक, क्लियर है, और ये हो गया आपका कैटेगरी ओपनिंग रैंक, ये हो गया कैटेगरी क्लोजिंग रैंक। ठीक है, ये सब चीज़ क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया मैकेनिकल का। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका आफ्टर सेकेंड राउंड,
सेकेंड डाउन होने के बाद क्या आया, ठीक है, ये आपका हो गया सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, नेक्स्ट में रहेगा मैकेनिकल, तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये ओपनिंग रैंक हो गया, ये क्लोजिंग रैंक हो गया, ये कैटेगरी ओपनिंग, ये कैटेगरी क्लोजिंग रैंक, ठीक है, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, ये मैकेनिकल हो गया, ठीक है, स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए इसका। देखिए जिन बच्चों का जैसे प्लेसमेंट हुआ है, तो आप लोग सोचते होंगे किन बच्चों का हुआ है, उसका नाम भी दिया गया है, ये मैं सारा वेबसाइट से ही लिया हूँ, ठीक है, बख्तियारपुर के वेबसाइट से। देखिए जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया, जैसे श्रुति गुप्ता, विश्वजीत कुमार, ये श्रुति गुप्ता ट्रिपल ई से हैं, विश्वजीत कुमार आपका सी एस सी से हैं, ठीक है, किन कंपनी में हुआ, ग्रीपिको का उसमें दिया भी था, ठीक है, कितना पैकेज गया है। हाँ बिहार में कुछ कम पैकेज होता है, क्योंकि ये थोड़ा पिछड़ा राज्य में आते हैं और ये यहाँ पर कंपनियाँ नहीं आती उतनी, ठीक है, बट अब होने लगा है, क्योंकि अब डेवलपमेंट होने लगा है, डिजिटल हो गया है, सारे बच्चे पढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं, सबको संसाधन मिल रहे हैं, ठीक है, रिसोर्स मिलने लगे हैं, तो सारे बच्चे ध्यान दे रहे हैं, प्लेसमेंट आपका इंक्रीज होगा, बट अभी तो कुछ कम है, ठीक है, 4.8 लाख है, यहाँ भी 4 लाख है, ठीक है, अब ये सब देख सकते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं, बिहार में अब प्लेसमेंट होने लगा है, देखिए यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पैकेज आपका गया है प्रिज जॉसन में आपका सिविल ब्रांच से, ठीक है, 5 लाख का यहाँ प्लेसमेंट अब होने लगा है, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जो से एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। अगर अभी तक आप चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही अपडेट आपके लिए लाते रहता हूँ, टू गेट अपडेट ऑफ पहला नंबर बिहार इंजीनियरिंग के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए, पॉलिटेक्निक के हैं तो पॉलिटेक्निक के लिए बने रहिए, एक ही मीन्स आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से कोई भी संबंधित बात के लिए, कोई भी संबंधित जानकारी के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए, बीसीसी बोर्ड के कोई भी काउंसलिंग के लिए रिलेटेड या कोई भी चीज़ आपको बीसीसी के चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं आपको तुरंत वीडियो बनाकर दे दूंगा, ठीक है, तो उसके लिए जुड़े रहिए, जेई मेंस के लिए जुड़े रहिए, ठीक है, इन 5 चीज़ के लिए आप इस चैनल पर जुड़े रह सकते हैं, ठीक है, तो अगर चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन उसका प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिए, ठीक है, एग्जाम आइडिया को थोड़ा सपोर्ट करिए, सारा चीज़ बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर होना चाहिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।